उत्तर प्रदेश मेरठ के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की टूटी सड़कों व जल भराव हाल किसी से छिपा नहीं है और यहाँ के विधायक विकास की बात करते हैं। यहाँ का नगर निगम सिर्फ कागजों में काम कर रहा है, जमीन पर नहीं। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री भी सिर्फ हवा हवाई दौरा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता पवन गुर्जर ने अपने क्षेत्र नूरनगर लिसाड़ी के कुछ तस्वीरें जय भीम टीवी न्यूज चैनल से साझा की और बताया कि कई वर्षों से दक्षिण विधानसभा के बुरे हालात हैं। गड्ढा मुक्त अभियान सिर्फ कागजों में पूरा होता है, सड़कों पर नहीं। मुख्यमंत्री यहां की गड्ढा मुक्त सड़कों को देखें ताकि उनके नगर निगम के द्वारा किए गए विकास की पोल खुल सके। नगर आयुक्त यहां की सड़कों से गुजर कर देखें, तब एहसास होगा कि यहां के निवासी किस तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। हर दिन इन सड़कों पर बड़े हादसे हो रहे हैं, न जाने नगर निगम किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अगर जल्द यहां के हालात नहीं सुधरे, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ शोर मचाए है गड्ढा मुक्त अभियान, और यहां के विधायक सांसद तरह तरह के बयान दे रहे हैं कि हमने ये विकास करा दिया, हमने वो विकास करा दिया। अगर दक्षिण विधानसभा का विकास देखना है तो नूरनगर लिसाड़ी रोड, सरस्वती लोक, मदीना कॉलोनी रोड, इन सड़कों पर आइए और इस भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार का विकास देखिए। घुटनों घुटनों पानी भरा है, ऐसे हालात यहाँ है, यहाँ निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, तमाम तरह के धरना देने के बावजूद, निगम के घेराव के बावजूद भी आज तक यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी है, और अगर जल्द यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का तो दौरा होगा, उस दौरे की मांग अपनी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र से की कराने की मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री आए और नगर निगम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का दौरा करें ताकि इस नगर निगम और यहाँ के प्रतिनिधियों की पोल खुल सके। और अगर वो यहाँ का दौरा नहीं करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मेरठ दौरे का मैं विरोध करूंगा और उस विरोध का जिम्मेदार नगर निगम होगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि।